तरफ रांची में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच को लेकर मिली यहां पर धमकी। आपको बता दें कि यहां सिख फोर जस्टिस ने ये धमकी दी है, टेस्ट मैच रद्द करने की ये धमकी मिली है। आपको बताते चले कि आदिवासियों की जमीन पर टेस्ट नहीं होने देने का यह आह्वान है, जबकि भाकपा माओवादी से सिख फोर जस्टिस का आह्वान। मामले को लेकर धुरवा थाना में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज यहाँ मैच होने वाला है, जिसे लेकर मामले को लेकर अब धुरवा थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच को लेकर धमकी मिली है। तो बताते चले ये पूरा जो मामला है, सिख फॉर जस्टिस ने ये धमकी दी है कहा जा रहा है, हालांकि इसे लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मामले को लेकर धुरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच को मिली धमकी मिली है, तो सिख फॉर जस्टिस ने ये धमकी दी और इस धमकी में कहा गया कि टेस्ट मैच रद्द कराने की धमकी मिली है, आदिवासी की जमीन पर टेस्ट नहीं होने देने का आह्वान दिया गया है। क्रिकेट टीम ऑफ रोहित शर्मा रिप्रेजेंटिंग इंडिया टेरर हिंदू रजीम मोदी विल बी इन रांची ऑन 22 फरवरी। कमांडर इन चीफ ऑफ सीपीआई मोयस रविंद्रा गांजू, This is your time to storm Ranchi Cricket Stadium, raise CPI Moist and Khalistan flag to internationalize farmers and tribals issue. Tribals farms have been taken over by the Indian terror state in Jharkhand and in Punjab. Farmers are protesting and are being killed by the Indian terror state. Ravindra Ganju, now is the time. Storm Cricket Stadium. Raise the CPI Moists and Khalistan flag and internationalize this issue. Ben Stokes, you are playing at the tribal lands. I advise you, boycott fourth test and take your team back to England. Message is from Gurpatwan Singh Pannu, SFJ. के लिए इमरान, इंग्लैंड टेस्ट मैच रद्द कराने की धमकी मिलती हुई नजर आ रही है यहां पर, क्या पूरी जानकारी जरा हमारे दर्शकों को बताएं आप? देखिए, ये भारत इंग्लैंड का जो चौथा टेस्ट मैच है वो रांची में प्रस्तावित है, झारखंड में प्रस्तावित है। ऐसे में इंग्लैंड की टीम आज रांची पहुंच भी रही है और इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन ने झारखंड के माओवादियों से आह्वान किया है कि जो मैच कराए जा रहे हैं उन मैच को तत्काल प्रभाव से रद्द कराया जा सके, रोका जाए, और इस तरह की धमकी जारी की गई है। साथ ही कहा गया है कि आदिवासी लैंड में आदिवासियों के हित में ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए यहाँ के माओवादी जो है इस पूरे मामले पर अपने स्तर से कार्रवाई करें और इस मैच को रद्द कराने को लेकर के सारी चीजें धमकी जो है बांटी गई है। पूरे मामले को लेकर के जब यूट्यूब के माध्यम से ये बातें सामने आई और इसके बाद रांची पुलिस भी हरकत में आ गई, और इसके बाद इस पूरे मामले पर धुरवा में थाने में पदस्थापित जो थाना प्रभारी है उसको दिए गए बयान के आधार पर पूरे मामले पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आईटी एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज करते हुए धुरवा थाने की पुलिस और रांची पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ये जो धमकी भरा ऑडियो क्लिप जारी किया गया है, वीडियो जारी किया गया है यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया पर, ये कितनी ऑथेंटिक है और कितनी इसकी प्रभावशाली है, इन सारी चीजों को लेकर के देखी जा रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि आईपी एड्रेस क्या है, जिस जगह से इसकी धमकी जनरेट किया गया है उस जगह की आईपी एड्रेस कहाँ है, किस जगह पे बैठ के लोग इस तरह की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान, कहीं ना कहीं इस धमकी से एक चिंता की बात तो जरूर है, एक फिक्रमंद बात है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मैच को लेकर जो हमारे यूथ है तमाम जो है काफी एक्साइटमेंट उनमें था कि अब झारखंड में यहाँ मैच होने वाला है, इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई, लेकिन इस बीच इस तरीके का मैसेजेस कहीं ना कहीं डराने वाला होता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।